अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, दैट इज़ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। क्योंकि समर सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है और मार्केट में स्ट्रॉबेरीज़ भी इजीली अवेलेबल हैं, सो आई थॉट कि स्ट्रॉबेरीज़ को यूज़ करके कुछ बनाया जाए। सो आई मेड दिस आइसक्रीम। घर पे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली ये प्रिपेयर हो जाती है और सबसे अच्छी बात यह कि इसका टेस्ट बिल्कुल 100% है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने ली हैं 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज और इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्क पैक की डेरी व्हिपिंग क्रीम और ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इससे आइसक्रीम में बहुत स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर आता है। यहाँ पर मैं डालूंगी इसके अंदर हाफ कप स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। स्ट्रॉबेरी की हम स्ट्रॉबेरी प्यूरी बना लेंगे, इसलिए उसके लिए जाएगी 1 टेबल स्पून शुगर एंड 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कितनी अमाउंट में व्हिपिंग क्रीम यूज़ करनी है, वो इसलिए कि अगर आप किसी और ब्रांड की यूज़ करें तो आपको अमाउंट पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये एग्जैक्टली 1 कप है, तो आप भी 1 कप ही व्हिपिंग क्रीम यूज़ करेंगे। जिस बोल में आप अपने व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करेंगे उसको आपने अच्छी तरह चिल कर लेना है और साथ ही बीटर अटैचमेंट को भी। यहाँ से हमारा आइसक्रीम बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपनी क्रीम को व्हिप कर लेना है फॉर 5 to 10 मिनट्स, लेकिन आपने अपनी क्रीम को कंप्लीट व्हिप नहीं करना। 5 मिनट्स आपने इसको व्हिप करने के बाद इसमें 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाल के इसको अगेन एक बीटिंग राउंड देना है और यहाँ पर लाकर आपने इसको थोड़ी देर के लिए अपनी बीटिंग को स्टॉप करना है, कंप्लीट व्हिप आपने नहीं करना। और अब आप इसमें डाल लेंगे अपना स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने के बाद अब आप दोबारा से इसको व्हिप करेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने इसको कंप्लीट व्हिप नहीं करना, क्योंकि कंडेंस मिल्क डालने के बाद आप इसको दोबारा से व्हिप करेंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा व्हिप कर लिया तो आपकी क्रीम बटर बन जाएगी। जब आपको लगे कि आपका कंडेंस मिल्क अच्छी तरह से क्रीम के साथ मिक्स हो चुका है तो बस आपने अपनी बीटिंग को स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास प्यूरी मेकिंग। मैं ब्लेंडर में इसके क्यूब्स को डाल दूंगी और जो 1 टेबल स्पून शुगर है वो मैं बाद में ऐड करूँगी, शुरू में ऐड नहीं करेंगे हम। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको जस्ट 5 to 7 मिनट्स लगेंगे और 5 to 7 मिनट्स में आपकी स्ट्रॉबेरी प्यूरी तैयार हो जाएगी। और अब मैं इसके अंदर अपनी 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करके इसको दोबारा से एक फाइनल ब्लेंड राउंड दूँगी। यहाँ पर मेरी स्ट्रॉबेरी प्यूरी रेडी हो चुकी है और 1 कप व्हिपिंग क्रीम के लिए आइसक्रीम बनाने के लिए ये काफ़ी है। स्ट्रॉबेरी प्यूरी भी हमारी रेडी है, क्रीम भी हमने व्हिप कर ली थी, अब हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। स्ट्रॉबेरी प्यूरी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह स्पैटुला की हेल्प से मिक्स करना है। आपने तब तक इसको मिक्स करते रहना है जब तक के वाइट कलर कम्प्लीटली डिसअपेयर ना हो जाए और एक अच्छा सा पिंक कलर आ जाए। और ये जो पिंक कलर आया है ये स्ट्रॉबेरीज का अपना ओरिजिनल कलर है, मैंने इसमें कोई भी फूड कलर नहीं डाला। आइसक्रीम मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगाऊंगी और इसको 8 आवर्स या ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दूँगी। बस अब आपने इसको फ्रीज़र में रखना है और 8 आवर्स बाद आपकी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी।
8 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर मैंने लिया है आइसक्रीम स्कूपर, जिसको मैं पहले वार्म वाटर में डालूंगी और उसके बाद मैं इससे अपने आइसक्रीम स्कूप्स निकाल लूंगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ आइसक्रीम ये रेडी हुई है और टेस्ट इसका बिल्कुल 100% है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है, टेक्सचर इसका बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट रेडी हुआ है, टेस्ट इसका बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। और आपने देख लिया कि घर पे बनाना कितना आसान है, समर सीज़न के लिए बेस्ट रेसिपी है ये। आप इसको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।